हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का अपना टॉपिक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है एज अ सिविल इंजीनियरिंग, इसका क्या यूज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी कौन सी, और उस पर कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सारी डिटेल स्टडी आज हम एल्यूमिनियम की करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्यूमिनियम कैसे हमें ऑब्टेंट होता है, मतलब कैसे मिलता है। आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम जो है जो धरती पे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। ये जो एल्यूमिनियम है ये अर्थ की क्रस्ट के कंपोजिशन का 1% पार्ट, मतलब बॉक्साइट यानी कि ओवर के रूप में हमें मिलता है। इसके कई मतलब इस पर कई ज़्यादा प्रोसेस किया था, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, सारी प्रोसेस ऐसे हो जाने के बाद हमें एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में भी मिलता है और कई सारे इसे एल्यूमिनियम ही कहते हैं। तो ये था एल्यूमिनियम कैसे हमें मिलता है। अब हम जान लेते हैं एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब कि ये एक प्लेन और सॉफ्ट मटेरियल है। इसकी को इस ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रीडिंग पर्पस के लिए, विंडो डोर फ्रेम के लिए, विंडो फ्रेम के लिए। आपने कई बार देखा होगा अपने घर में विंडोज़ जो बनी होती है वो एल्यूमिनियम की ही बनी होती है। डोर, टॉयलेट वॉशरूम के ऐसे डोर आप देखे होंगे कि उसकी जो फ्रेम्स है वो जो है एल्यूमिनियम की बनी है। तो इसका कई बार ज़्यादा यूज़ होता है रेलिंग के पर्पस के लिए भी, और इन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सटीरियर वर्क, मतलब घर के बाहर जो वर्क होता है वहीं पे इसका बहुत ज़्यादा भी यूज़ किया जाता है एज अ लाइटनिंग पर्पस। ये रिफ्लेक्टिव के रिफ्लेक्शन नहीं देता ज़्यादा, इसकी वजह से भी ये ज़्यादा यूज किया जाता है एज अ सिविल इंजीनियरिंग में। अगला पॉइंट है अपने पास, मतलब ये जो है मटेरियल ये क्या वीक है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वीक है, इसीलिए इसके हम बहुत ज़्यादा मतलब कई बार यूज़ कर लेते हैं तो इसे हम हार्ड बनाते हैं, या तो वर्क करना हो इस पर इसे हम देखिए अनोइंग जो है अनोइंग मटेरियल यानी कि मैग्नीशियम, क्रोनियम, सिलिकॉन, ये सारे मटेरियल से हमें इस पे ऊपर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस करने के बाद, अनोइंग होने के बाद, अलोइंग होने के बाद, सारी बार प्रोसेस के बाद हम ये मटेरियल है एल्यूमिनियम ये छोटा सा हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है अपने पास एज अ प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इसके ऊपर का जनरल नॉलेज वाला तो ये आपको आना ही चाहिए। एल्यूमिनियम जो है एक आपको इसकी पहचान करनी होती है। एल्यूमिनियम क्या है, एक सिल्वर कलर का एक मटेरियल है जो ब्राइट लस्टर है, सिल्वर कलर का, आप इसे पहचान सकते हैं इसी तरह से। ये वेरी लाइट वेट है, इसका जो वेट है ये ज़्यादा नहीं रहता, ये लाइट वेट मटेरियल है, इसकी वजह से इसे हम कई बार यूज़ भी कर लेते हैं क्योंकि भाई ये लाइट वेट है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.7, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो है एल्यूमिनियम एज अ गुड गुड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए एल्यूमिनियम। इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है वो 90 MPa, ये 2 150 MPa मेगा पास्कल, और इट इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टिव फॉर कोरोजन, इसी वजह से क्या इस पर कोरोजन नहीं लगता है। इट इज़ अ वेरी हाईली डक्टाइल एंड मेलेबल। अगला 8 नंबर का पॉइंट है अपना, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये मेल्ट कब इस पॉइंट पर मेल्ट हो जाता है वो है 660 डिग्री सेल्सियस, मतलब 660 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। और इसका ऑटोमिक जो नंबर है, ऑटोमिक नंबर ये 13, ये आपको कई बार पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ये पूछे जा सकते हैं। आपको ये सारा वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से कर ला, और इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड।